हाँ, ये मारुति सुजुकी सर्विस होने लगी है इसकी। अस्सलाम वालेकुम भाई और बहनों, तो क्या हाल चाल है यार। आप रात को सोते वक्त अलार्म लगा दें और सुबह उठें और वजू करें, नमाज पढ़ें, यकीन माने जो दिल को सुकून मिलता है वो किसी चीज़ में, किसी दुनिया की चीज़ में। यार आप लोगों को पता है कि हमारे मुल्क के हालात कैसे चल रहे हैं। इस हालात में हम अल्लाह को याद करें तो बेहतर है काफ़ी, बजाय इसके कि प्याज खा लें या कुछ खा लें, इनसे कुछ नहीं होगा। उसके बाद मैं सो गया था। सो मैं इस वजह से गया था क्योंकि रात मैं 2 बजे तक एडिट करता रहा और मैं सोना भी था। वैसे भी मैं कह रहा था कि सो जाऊंगा, थोड़ा मतलब फ्रेश फ्रेश फील करूंगा, फ्रेश फ्रेश हूँ। तो अभी बाकी की एडिट करनी, आधी मैंने एडिट कर ली, आधी अभी एडिट करनी। तो यार अभी हम थोड़ा बाइक का काम करवाने जाने में एडिट कर रहा था, तो ये बोल रहा चल चलें, क्योंकि टाइम भी नहीं था और अभी लाइट भी जाने वाली है, तो एडिट वैसे ही ख़राब हो जानी थी। बाल बाल कटवा लिए इसके और अभी हम बाइक का थोड़ा सा काम करवाएंगे। हमें 1.5 घंटा हो गया यहाँ पे आए हुए और अभी काम खत्म हो चुका है बाइक का, अभी सर्विस करवाने आए, करवानी है। फाइनली बाइक का काम खत्म हो चुका है और अब हम हमारे बिरयानी वाले हुए किसी में चल, और भूख मुझे लग रही है। पहले मुझे TCS जाना है, वहाँ से मैंने कुछ ऑर्डर किया था अनबॉक्सिंग के लिए, वो उठाना है। चल पार्सल मिल चुका है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आ जाएगा लेकिन घड़ी आ गया। घड़ी इसमें, अरे यार इसने बता दिया कि जैसा ये घड़ी है इसमें, तो अभी इसको जाके अनबॉक्स करना है। अब इसकी पूरे अच्छे तरीके से अनबॉक्सिंग करूँगा इंशाल्लाह। बिरयानी खाने चलते हैं, मुझे बहुत वैसे भूख लग रही है। हाँ चल In the back of my mind, there's someone waiting on me. You're just wasting my time. यानी काफ़ी अच्छी थी और अभी हम घर पे जा रहे हैं। यार मैं जैसे घर आया मैं बहुत थका हुआ था। सबसे पहले मैंने काम आके किया, वो अपनी जो वीडियो छोड़ के गया था उसको एडिट किया, उसको अपलोड पे लगाया और आधे घंटे के लिए मैं सो गया था। और आँखों से ही लग रहा होगा वायरस आया हुआ है हमारे मुल्क में, उसकी वजह से 13 दिन की और छुट्टी हो गई है। एक तरीके से खुशी की बात है और एक तरीके से दुख भी होता है, क्योंकि पेपर हमारे आ रहे थे 17 तारीख को, अब 16 तारीख तक बंद है स्कूल, तो दुख हो रहा है काफ़ी मुझे। और एक तरीके से बहुत खुशी खुशी हो रहा है, दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे, क्या लबे सीरीज सा लग रहा है। और आप लोग इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लें, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे काफ़ी अपडेट देता हूँ हर व्लॉग से पहले, या कोई भी जो भी मैं काम कर रहा हूँ तो सबसे पहले अपडेट इंस्टाग्राम पे आती है। तो अभी हम मैच देख रहे हैं कराची और पेशावर का, और पेशावर के 2 आउट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं पेशावर को सपोर्ट कर रहा हूँ और ये कराची को बोल रहा है कराची जीतेगा, पेशावर जीतेगा।
तो यार मैं ज़रा बिजी था कुछ घर के काम में, और मैं जब आया तो मुझे पता चला कि मैच की हालत ऐसी मुझे पता चला मैच की हालत ऐसी है, एंड टाइम चल रहा है। आई थिंक पेशावर जीतेगा, बाकी देखते हैं क्या बनता है। ओ, चार रन चाहिए यार 12 बॉलों में। ओ यार, बट खैर खैर कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। किंग्स जीत गया और पेशावर जो है वो हार गया। खुशी है यार हमें भी, तुम जीतो यार, हमें तुमसे प्यार है। जीत तो आखिर पाकिस्तान की है ना, जीत तो पाकिस्तान की है। अरे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तो बस यार यही था आज का व्लॉग, उम्मीद है आज का व्लॉग आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक करना, ज़्यादा पसंद आया तो शेयर करना, अगर और ज़्यादा पसंद आया तो सब्सक्राइब करना, अगर और ज़्यादा पसंद आया हो तो दोस्तों को भी बताएं भाई। तो फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, अल्लाह to be your friend said that you left me oh oh out ho chuka yes short delivery wow wow